नमस्ते बच्चों, मेरा नाम है डॉक्टर वैभव अवस्थी एंड वी आर बैक विद अवर फैंटास्टिक सब्जेक्ट दैट इज बायोलॉजी। बहुत सारे स्टूडेंट्स जब डाउट पूछते हैं तो बोलते हैं, सर आप इस चैप्टर में एक्सक्रीशन और ऑस्मोरेगुलेशन, इसमें आप किडनी के बारे में पढ़ा रहे हैं, पर किडनी के बारे में जब मैं सोचता हूं तो मुझे ये ख्याल आता है कि सर मछलियों के पास किडनी होती है क्या? सर रात को मैंने एक मच्छर मारा, उसके पास किडनी है क्या? सर घर में कॉकरोच दिखा, उसके पास किडनी है क्या? राइट। सो अगर इस तरह के सवाल तुम्हारे मन में उमड़ रहे हैं ना, तो उनको ज्यादा उमड़ाओ, आने दो उसको बाहर, बिकॉज आज के लेक्चर में बेटा वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट डिफरेंट एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स, एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर। ट्री, पेड़ लगाना चाहिए, गो ग्रीन, मिशन ग्रीन, रिमेंबर सामाजिक ज्ञान। एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स, देखते देखते सर ने पेड़ लगा दिया, अरे राम जी भला करे मेरा। अब एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स में कैसे है ना, जो इनवर्टिब्रेट्स होते हैं, जिनके पास वर्टिब्रल कॉलम नहीं होता है, इनवर्टिब्रेट्स को कुदरत ने सिंपल टिब्यूलर स्ट्रक्चर्स दिए हैं। सिंपल ट्यूबुलर स्ट्रक्चर यानी सीधा साधा ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर दिया है, उसी ट्यूब से उनका कचरा जाता है, शरीर के बाहर फेंक दिया जाता है। Whereas, अगर हम वर्टिब्रेट्स की बात करें, वर्टिब्रेट्स को कुदरत ने दिया है कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर ऑर्गन्स, तरह तरह के कॉम्प्लेक्स ट्यूब जैसे ऑर्गन्स दिए। अब यहां पे ना नीट में एक बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आता है, और इसमें कैसा है ना, पढ़ने के लिए, याद रखने के लिए बहुत सारा इंफॉर्मेशन है, पर हम इसको अपने यो-यो स्टाइल में याद रखेंगे। क्या लिखा है, पढ़ मत पाप लगेगा। अब सुन मेरी बात ध्यान से अब बेटा, ओके। अब एक पॉइंट ऐसा है कि जो लोअर एनिमल्स है उनमें अलग अलग किस्म के एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होते हैं। देयर इज एन एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर कॉल्ड एज अ फ्लेम सेल्स, फ्लेम सेल्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज अ प्रोटोनेफ्रिडिया। जैसे हम इंसानों के पास किडनी है, किडनी के अंदर नेफ्रॉन है, वैसे ही जो लेस डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म है, ओके, जिनकी रचना हमसे पहले हुई थी, जो इस धरती पे हमसे पहले आए थे बट लेस डेवलप्ड है, तुच्छ प्राणी चाराना अठाना लोगे, कॉकरोच, ये स्टारफिश, ये सिलेंटेरेटा, पॉलीफेरा, प्लैटी हेलमेंटिस, ये सब कीड़ा मकोड़ा लोग जो है ना, उनको गॉड ने नेफ्रॉन नहीं दिया है, बट एक्सक्रीट करने के लिए जो भी स्ट्रक्चर दिया उसको बोलते हैं प्रोटोनेफ्रिडिया, और उसी का दूसरा नाम है फ्लेम सेल्स। ये प्रोटोनेफ्रिडिया और फ्लेम सेल्स तुमको किस में देखने मिलेगा, ये तुमको देखने मिलेगा फ्लैटवर्म्स में। फ्लैटवर्म्स को हम लोग बोलते हैं प्लैटी हेलमिंथस। प्लैटी हेलमिंथस का कॉमनेस्ट एग्जांपल है प्लेनेरिया, और ये किस में देखने मिलेगा, ये नेक्स्ट एनिमल्स के कैटेगरी में देखने मिलेगा, दैट इज रोटीफर्स। देन अदर देन रोटीफर्स ये देखने मिलेगा सिफेलोकॉर्डेटा में। सिफेलोकॉर्डेटा में दी एग्जांपल इज एम्फियोक्सिस, एंड ये फ्लेम सेल इट इज आल्सो सीन इन सम एनिलिडा। अब सर इतना भारी भारी स्पेलिंग, इतना भारी भारी वर्ड कैसा याद रखेगा सर? ऐसा याद रखेगा। अब अवस्थी सर का गुरु मंत्र याद रखो, ये सब इतना तू अगर बायो बोलने लगेगा ना, गिनीज बुक वाला घर पे आ जाएगा, बोलेगा सर ऑटोग्राफ दो,
ऑटोग्राफ देने का, पर उसको बोलने का मुझे अवस्थी सर सिखाया, बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो घर में घुस के मारेगा बेटा। ओके, अब यहां बात ऐसी है, दो पंक्ति की कविता है, दो लाइन की कविता है, गौर फरमाइएगा। कुछ अन्ना का दिमाग देखो, अन्ना साउथ इंडियन होता ना अन्ना, कुछ अन्ना का दिमाग देखो, फ्लैट रोटी फ्लेम पे सेको। वाह मजा आ गया, एग्जाम में ऐसा लिखेगा बहुत मानूंगा। नाउ व्हेन वी से कुछ अन्ना का दिमाग देखो, कुछ मींस सम, अन्ना इज एनिलिडा, बराबर, दिमाग यानी सेफेलोन। हाँ, अगर तुझे बायो नहीं आता है तो चल मैं तुझे और एक बात सिखा दूं, ब्रेन को बायोलॉजी में सेफेलोन बोलते हैं। आज के बाद तुझे तेरे दोस्त को चिढ़ाना रहेगा ना, तेरा दोस्त जब तुझको बोलेगा कि अरे तुझ में और मुझ में क्या फर्क है, बोलना सेफेलोन का फर्क है। भाग जाना बोल के, नहीं तो गूगल करेगा सेफेलोन मतलब क्या है, ब्रेन, अच्छा मेरे पास दिमाग नहीं, तूने मेरा अपमान किया, तो बोला मान अपमान, ये तो परमेश्वर है, चलता है दोस्ती यारी में मजाक, दैट्स यो यो बायो। ओके, सेफेलोन यानी ब्रेन, ये याद रखो, 12th स्टैंडर्ड मेरा ब्रेन का एक चैप्टर है जहां हम लोग फाड़ देंगे। सर क्या फाड़ देंगे? टॉपिक फाड़ देंगे, मुहावरा समझा कर। ओके, सो अब बात ये है, कुछ अन्ना का दिमाग देखो, फ्लैट रोटी फ्लेम पे सेको। कुछ अन्ना मींस सम एनिलिड्स, दिमाग यानी सेफेलोन यानी सेफेलोकॉर्डेट और एम्फियोक्सिस, फ्लैट यानी फ्लैट वर्म्स यानी फ्लैटी एलिमेंट्स प्लेनेरिया सब आ गया उसमें, रोटी यानी रोटीफर्स, फ्लेम यानी फ्लेम सेल्स व्हिच इज आल्सो कॉल्ड एज प्रोटोनेफ्रिडिया। टॉपिक का हो गया स्वाहा, बायो संपन्न। आगे बढ़ते नेक्स्ट। अब ये जो फ्लेम सेल्स होता है ना बेटा, ये फ्लेम सेल्स दो काम करता है, नाइट्रोजिनस वेस्ट भी निकालेगा and it also maintains ionic and water balance. Ionic यानी ions का balance, Na plus, K plus, Cl minus, sodium, potassium, chloride और water. So body में कितना salt और कितना water रहना चाहिए, कितना बाहर जाना चाहिए, वो सब ये करके देता है। तेरे मेरे शरीर में ये सारा का सारा काम किडनी करता है, किडनी के अंदर नेफ्रॉन है, पर इनके पास किडनी नहीं है, नेफ्रॉन नहीं है, इनके पास प्रोटोनेफ्रिडिया, वही प्रोटोनेफ्रिडिया का दूसरा नाम है फ्लेम सेल्स, इतना याद रखना। मूविंग ऑन नेक्स्ट, फिर उसके बाद आता है मेटानेफ्रिडिया। मेटानेफ्रिडिया किस में देखा जाता है? ये देखा जाता है In friend of the farmer, that is, it is seen in earthworms. अब earthworms में ना metanephridia होता है। Metanephridia से related important बात ध्यान से सुनो। Okay, जब भी तुम ऐसे nephridia देखोगे ना, यानी बहुत सारा, और nephridium लिखा रहेगा ना, यानी एक, singular and plural, grammar में ज़्यादा उलझने का नहीं, grammar को बोलने का grammar, jammer, very important. अब metanephridia को तुम सिर्फ nephridia भी बोल सकते हो। कुछ कुछ टेक्सबुक्स में है ना ये स्पेसिफिकेशन थोड़ा इंटरचेंज किया बेटा। ओके, सो यू रिमेंबर, नेफ्रिडिया दिखा या मेटानेफ्रिडिया दिखा, वो अर्थवर्म है, बट प्रोटोनेफ्रिडिया, प्रोटो प्रो यानी पहले के जमाने का प्राचीन किस्म का नेफ्रिडिया, मेटानेफ्रिडिया यानी उसके बाद आने वाला नेफ्रिडिया, ये अर्थवर्म में देखा जाता है। अब अर्थवर्म में कैसा है ना, उसका जो बॉडी कैविटी होगा उसका बॉडी कैविटी के बाद एक फनल शेप्ड पार्ट आता है जिसको बोलते हैं नेफ्रिडियो स्टोम्स, और ये फनल शेप्ड नेफ्रिडियो स्टोम उसके नेफ्रिडियम से कनेक्टेड होता है, और ये नेफ्रिडियम के ऊपर जो खड्डा होता है उसको बोलते हैं नेफ्रिडियोपोर, और इस नेफ्रिडियोपोर से, पोर यानी ओपनिंग, इससे सारा कचरा बॉडी के बाहर निकलता है, बिकॉज ये बॉडी के सरफेस पे ओपन होता है, यानी कैसा होता है मालूम है, इसके बॉडी कैविटी में, इसके बॉडी के अंदर जो भी कचरा बन रहा है ना, वो कचरा जाता है नेफ्रिडियोस्टोम में, नेफ्रिडियोस्टोम से वो जाता है नेफ्रिडियम के पास, नेफ्रिडियम से वो जाता है नेफ्रिडियोपोर में, और नेफ्रिडियोपोर से डायरेक्टली बॉडी के बाहर फेंक दिया जाता है।
ये तुमको अच्छे से याद रखना बेटा। नेक्स्ट, नेफ्रिडिया का काम क्या है? नेफ्रिडिया सेम रिमूव्स नाइट्रोजिनस वेस्ट एंड मेंटेन्स आयोनिक एंड वाटर बैलेंस। तो देखो ये कैसी बात हो गई मालूम है, जैसे हम सबके पास अलग अलग किस्म का मोबाइल फोन होता है, किसी के पास आईफोन है, किसी के पास सैमसंग है, ओके, किसी के पास छोटा डब्बा फोन है, और घर में हमारे भाई बहन के पास उससे भी सादा वाला फोन है, बटन दबाएगा तो लाइट आता है, गाना आता है, चल छैया 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 खेलने वाला फोन है। तो हम क्या बोलेंगे, छैया छैया वाला जो फोन है ये तो प्राचीन जमाने का लेस डेवलप्ड, उससे वेल डेवलप थोड़ा डब्बा वाला फोन है, उससे वेल डेवलप समझो सैमसंग का फोन है, आईफोन एकदम ही ज्यादा वेल डेवलप है। उसी तरह से बच्चों हमारे पास नेफ्रॉन है, कुछ कुछ जानवर के पास प्रोटोनेफ्रिडिया है, कुछ कुछ के पास मेटानेफ्रिडिया है, कुछ कुछ के पास मैल्फीजियन टिब्यूल्स है। सो एक्सक्रीशन करने के लिए अलग अलग किस्म के स्ट्रक्चर है, बट सारे फोन सिर्फ हेलो बोलने के काम आता है। उसी तरह से नेफ्रिडिया प्रोटोनेफ्रिडिया मैल्फीजियन टिब्यूल्स ग्रीन ग्लैंड जो कुछ भी मैं यहां लिखूंगा ये सब सिर्फ एक्सक्रीट करने के काम आता है, शरीर से कचरा बाहर फेंकने के काम आता है। यू गेट इट बेटा? नाउ द नेक्स्ट एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर दैट वी हैव ऑन लिस्ट इज मैल्फीजियन टिब्यूल। अब एग्जाम में नीट में तुमसे पूछेंगे कि मैल्फीजियन टिब्यूल्स कौन से प्राणी का एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, तो बोल देने का इंसेक्ट्स का एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, खास करके काकरोच का। सर काकरोच नहीं होता है, कॉकरोच होता है। हाँ बराबर है, ज्यादा इंग्लिश मत बोल, कॉकरोच होता है मालूम है। सो इंसेक्ट्स का ना मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन इज मैल्फीजियन टिब्यूल। नेक्स्ट then what we have is antennal glands। antenna के अंदर खास किस्म का glands होता है जिसका दूसरा नाम है green glands। अब ये antennal glands और green glands ये कौन से जानवर का excretory organ है? so ये पाया जाता है crustaceans में, और crustaceans का commonest example will be prawns, झींगा। लोग खाता है ना झींगा, राइट, उसका आगे एंटीना होता है बेटा। सो उसके अंदर एंटीनल ग्लैंड्स है जिसको ग्रीन ग्लैंड्स भी बोलते हैं, और वो उसके एक्सक्रीशन में उसकी हेल्प करता है। नेक्स्ट, सॉल्ट एक्सक्रीटिंग ग्लैंड्स। सॉल्ट एक्सक्रीटिंग ग्लैंड्स ये किस में देखा जाता है? इट इज प्रेजेंट नियर नॉस्ट्रिल्स, नाक के पास। अब ये कहानी है एक बर्ड की जिसका नाम है अल्बाट्रोस। अल्बाट्रोस क्या होता है सर? ये एक मरीन बर्ड है। सर मरीन यानी मर गई क्या? नहीं, मरीन यानी खारा पानी में रहती है, सॉल्टी वाटर में। इसका फोटो चाहिए तो बाद में गूगल कर लेना बेटा। अब अल्बाट्रोस का प्रॉब्लम क्या है ना, क्योंकि वो मरीन बर्ड है इसलिए वो खारा पानी सॉल्टी पानी पीती है, और इतना ज्यादा सॉल्टी पानी अगर पिएगी तो बॉडी में सॉल्ट्स का लेवल बढ़ते ही जाएगा, और वो एक्स्ट्रा सॉल्ट को बॉडी के बाहर फेंकने के लिए कुदरत ने उसको सॉल्ट एक्सक्रीटिंग ग्लैंड्स दे रखा है। यही सॉल्ट एक्सक्रीटिंग ग्लैंड्स इट इज आल्सो सीन इन मरीन इगुआनास। इगुआना ना एक तरह का लिजर्ड है बेटा, ओके, उसका भी फोटो अगर चाहिए तो गूगल कर देना। गेटिंग इट? सो दैट इज द सॉल्ट एक्सक्रीटिंग ग्लैंड्स। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। आगे बढ़ते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नाम वासुदेव हरे कृष्ण हरे कृष्ण। चलो आगे बढ़े बेटा। नेक्स्ट,
सॉल्ट एक्सक्रीटिंग ग्लैंड्स यू विल ऑल्सो फाइंड इन सी टर्टल्स. ये भी कभी कभी एमसीक्यू में आता है बेटा. सी टर्टल्स में यू विल फाइंड सॉल्ट एक्सक्रीटिंग ग्लैंड्स. कई बार एमसीक्यू में ये कमाल का क्वेश्चन आ जाता है कि एकाइनोडर्मेटा यानी स्टारफिश के पास एक्सक्रीशन के लिए कौन सा स्ट्रक्चर है. सो याद रखो, एकाइनोडर्मेटा के पास देयर इज नो स्पेशलाइज्ड एक्सक्रीटरी सिस्टम. इसके पास कुछ खास डेवलप एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं है. बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना. ओके, अब इसके बॉडी में होता क्या है ना कि जो भी कचरा रहता है वो बॉडी में ट्रांसपोर्ट होता है डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू, और उसके बाद फिर वो फेंक दिया जाता है थ्रू ट्यूब फीड. स्टारफिश कैसे स्ट्रक्चर्स देखे ना. ओके, सो उसका जो ट्यूब फीड रहता है ना उसके थ्रू वो कचरा फेंक दिया जाता है. याद रखना, एकिनोडर्मेटा नो एक्सक्रीटरी सिस्टम, नो वेल डेवलप्ड एक्सक्रीटरी सिस्टम, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. ओके, नेक्स्ट. अब कुछ टर्म्स हमको पढ़ना है बेटा. ऑस्मो कन्फॉर्मर्स एंड ऑस्मो रेगुलेटर्स. ऑस्मो रेगुलेटर्स में क्या रहता है ना, इंटरनल बॉडी फ्लूइड का कॉन्सेंट्रेशन इज कॉन्स्टेंट इंडिपेंडेंट ऑफ एनवायरमेंट. ऑस्मो कन्फर्मर्स में क्या होगा, इंटरनल बॉडी फ्लूइड कॉन्सेंट्रेशन एंड एक्सटर्नल एनवायरमेंट फ्लूइड कॉन्सेंट्रेशन आर सेम. इसको हम लोग बोलते हैं आइसो ऑस्मोटिक. अब ये खाली है ना, शायद कंफ्यूज करने के लिए तुझे दे दे, तुझे सिर्फ इतना समझना है, ऑस्मो रेगुलेटर्स वो जानवर होते हैं जिनके शरीर के अंदर नमक और पानी का लेवल हमेशा स्थिर, यानी हमेशा बैलेंस्ड कंडीशन में बना रहता है इन स्पाइट ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर आउटसाइड. अब मेरे शरीर के अंदर पानी का प्रमाण, नमक का प्रमाण बैलेंस्ड है, मैंने उसको रेगुलेट करके रखा है. So I am osmo regulator. फिर बाहर कितना भी नमक और पानी हो, osmo conformers में क्या होता है ना कि बाहर जितना नमक और पानी का concentration है ना, मेरा शरीर भी अपने इसमें changes करके वो ही concentration के बराबर कर देगा उसको. That is called as isoosmotic. इतना अच्छे से याद रखना बेटा. अब इससे जुड़ा और भी दो कमाल का टॉपिक तुझे सिखाता हूं. एक होता है एंडोथर्मिक एक होता है एक्टोथर्मिक. एंडोथर्मिक इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ कोल्ड ब्लडेड एनिमल. एक्टोथर्मिक दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज वार्म ब्लडेड एनिमल. अच्छा, अब वार्म ब्लडेड यानी खून गरम है, इसका खून ठंडा है, ऐसा नहीं है. ये उकसाने वाली बात नहीं है, इसका खून ठंडा है, ये इसका खून बहुत गरम है, मारेगा ये नहीं, वैसा वाला बात नहीं है. ये कॉन्सेप्ट अलग है. वार्म ब्लडेड एनिमल बताता हूं, रुक जाऊंगा. इसके लिए एक और हाई फाई वर्ड है, पोइकिलोथर्मिक. ट्राई करने का, नहीं जमेगा तो पहले हिंदी लैंग्वेज पकड़. पाव किलो कैसे बोलते हैं वैसा. पोइकिलोथर्मिक, पाव किलोथर्मिक मत लिख के आना, नहीं तो आधा किलो लाफड़ मिलेगा तेरे को. पोइकिलोथर्मिक एंड दिस इज कॉल्ड एज होमियोथर्मिक.
Now these terms are same. Endothermic, also called as cold-blooded animal, also called as poikilothermic. Ectothermic, also called as warm-blooded animal, also called as homeothermic. अब इनमें क्या होता है ना, इनमें इंटरनल बॉडी टेम्परेचर कीप्स चेंजिंग, और नेक्स्ट वाले में क्या होता है ना, इंटरनल बॉडी टेम्परेचर रिमेन्स कॉन्स्टेंट. मैं तुझे एग्जाम्पल देता हूं, इसका एग्जाम्पल है फिश, एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स. इसका एग्जाम्पल है बर्ड्स एंड मैमल्स. यानी हम लोग देखो ये कैटेगरी के सेकंड वाला, हमारे बॉडी को होम्योथर्मिक या वार्म ब्लडेड या फिर एक्टोथर्मिक एनिमल क्यों कहा जाता है, क्योंकि हमारा अंदरूनी बॉडी टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट रहता है. अब बाहर का टेम्परेचर कितना भी रहने दो, समझो बाहर 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, अब नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर कितना है, 37 डिग्री सेल्सियस. एक्स्ट्रा पॉइंट है याद रखने का. और डिग्री फारेनहाइट में बोले तो 98.6 डिग्री फारेनहाइट, और जब टेम्परेचर इससे ज्यादा हो जाता है तब जाके हम लोग बोलते हैं कि पेशेंट को क्या हुआ है, बुखार हुआ है. चलो और एक बायो सीखाता हूं, बुखार को बायो की भाषा में बोलते हैं पायरेक्सिया. सो आज के बाद बुखार आया, फीवर आया, ए क्या ला ताप आला, फीवर नहीं बोलेगा पायरेक्सिया, सामने वाला भी डर जाएगा, हाँ बहुत बड़ा बीमारी है. ओके, सो फीवर को पायरेक्सिया बोलते हैं. हमारा इंटरनल बॉडी टेम्परेचर, तेरे मेरे शरीर का तापमान हमेशा 37 डिग्री सेल्सियस में रहेगा. डिग्री सेल्सियस में बात करें तो हमेशा 37, और डिग्री फारेनहाइट में बात करें तो 98.6. अब बाहर का टेम्परेचर कितना भी बदलने दे, बाहर 40 डिग्री सेल्सियस हो गया, मेरे को गर्मी महसूस हो रही है, बट मेरा शरीर का अंदरूनी टेम्परेचर हमेशा 37 रहेगा. बाहर का टेम्परेचर समझो फॉर एग्जाम्पल 10 डिग्री सेल्सियस हो गया, मेरे को ठंडी लग रहा है, बट माय बॉडी टेम्परेचर, इंटरनल बॉडी टेम्परेचर इज स्टिल 37 डिग्री सेल्सियस. यानी हमारे शरीर में यह क्षमता है कि वो अपने अंदरूनी तापमान को बनाए रखता रहेगा. ओके, ऐसे जानवर को हम एक्टोथर्मिक, वार्म ब्लडेड या तो होम्योथर्मिक एनिमल बोलते हैं. बट मछलियों में, एम्फीबियंस में और रेप्टाइल्स में, इनमें क्या होता है मालूम है, ये जब ठंडा पानी में चले गया ना, तो जो पानी का टेम्परेचर है तो इनका बॉडी का टेम्परेचर भी वही हो जाता है. ये लोग गर्म पानी में गया या गर्म माहौल में गया तो जो पर्यावरण का तापमान है इनका बॉडी का तापमान भी चेंज होता है, टेम्परेचर चेंज होता है, और उस हिसाब से जो एनवायरमेंट का टेम्परेचर है वही इनका टेम्परेचर हो जाता है. देखो ऑस्मो कन्फॉर्मर्स भी कुछ वैसे ही कहानी है. ऑस्मो रेगुलेटर्स यानी हम लोग जिस तरह से यहां हम लोग टेम्परेचर को कांस्टेंट रख रहे हैं ना, वैसे ऑस्मो रेगुलेटर्स में हम लोग ऑस्मो मींस वाटर. सो हमारे बॉडी के अंदर वाटर का लेवल और उसमें डिसॉल्व्ड जो घुले हुए नमक है, सॉल्ट्स है, सॉल्ट और वाटर का कॉन्सेंट्रेशन हम लोग कॉन्स्टेंट रखते हैं. और इनका कैसे है ना, ये लोग बदल बदल के जितना सॉल्ट और वाटर का कॉन्सेंट्रेशन पर्यावरण का है उतना ही कर लेते हैं, इसलिए यहां हमने लिखा आइसो ऑस्मोटिक. वैसे यहां अगर हाइफा इंग्लिश लिखना है तो मैं बोलूंगा इंटरनल बॉडी टेम्परेचर चेंजेस एंड देन दे बिकम आइसोथर्मिक, क्योंकि थर्मिक और थर्मा मींस टेम्परेचर. बुखार आया, मुंह में डॉक्टर डाल दिया एक पाइप, उस पाइप को क्या बोलते हैं, थर्मोमीटर. गेट इट? राजस्थान में एक जन ने जब पहली बार सुना थर्मोमीटर, हमारा एक फ्रेंड था, उसको ऐसा सुनाई पड़ा कि ये राजस्थानी भाषा में उसको बुरा बोल रहा है थारीमामीटर, तो भड़क के बोलता है थारा बाप सेंटीमीटर. रिमेम्बर दैट. ओके, जस्ट अ जोक, काल्पनिक कथा है, डोंट माइंड इट. सो थर्मिक मींस ए टेम्परेचर, ये याद रखो बेटा. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं. सो दैट इज ऑस्मो कन्फॉर्मर्स, ऑस्मो रेगुलेटर्स. उसके बाद हमने बात किया एंडोथर्मिक और एक्टोथर्मिक. नेक्स्ट, then we should know what is a stenohaline, then we should know what is urehaline, then we are going to learn what is stenothermal, then we will focus what is urethermal.
पहले इससे चालू करते हैं. थर्मल मीन्स टेम्परेचर, यूरी मीन्स ब्रॉड ब्रॉड रेंज, और थर्मल मीन्स टेम्परेचर. स्टीनो थर्मल, स्टीनो मीन्स नैरो रेंज, एंड थर्मल मीन्स टेम्परेचर. अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म को यूरी थर्मल बोला है, यानी वो ऑर्गेनिज्म ब्रॉड रेंज ऑफ टेम्परेचर चेंजेस को बर्दाश्त कर सकता है. मैं एग्जांपल देता हूं. जैसे समझो अगर मैं यूरी थर्मल हूं, फॉर एग्जांपल, काल्पनिक एग्जांपल है, बात ध्यान से सुनो. फॉर एग्जांपल मैं यूरी थर्मल हूं, यानी मैं 5 डिग्री से लेकर 40 डिग्री सेल्सियस. अब चाहे टेम्परेचर 5 डिग्री हो 6 डिग्री हो 10 हो 15 हो 20 हो 25 हो 40 तक, कितना रेंज मैं बर्दाश्त कर सकता हूं, तो मैं हूं यूरी थर्मल. क्यों? क्योंकि मेरी बर्दाश्त करने की जो क्षमता है वो ब्रॉड है. अब अगर कोई प्राणी की टेम्परेचर बर्दाश्त करने की क्षमता एकदम नैरो है, समझो कोई प्राणी सिर्फ 10 से लेकर 15 डिग्री सेल्सियस तक बर्दाश्त कर सकता है. अगर टेम्परेचर 10 के नीचे हो गया या 15 के ऊपर हो गया तो वो प्राणी सर्वाइव नहीं कर पाएगा. ऐसे प्राणी को हम बोलेंगे स्टीनोथर्मल. उसी तरह से ऊपर वाला पॉइंट समझ जाओ. सर आप ऊपर वाले पॉइंट में सिर्फ मुझे हलाइन का मतलब बता दो. हलाइन का मतलब होता है सॉल्ट, स्टीनो मींस नैरो. चौक भी खत्म होने आया मेरा. यूरी मींस ब्रॉड, और हलाइन ऑलवेज मींस सॉल्ट. अगर कोई प्राणी बहुत ही नैरो सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन को बर्दाश्त कर सकता है तो वो स्टीनोहलाइन, और अगर कोई प्राणी बहुत ही ब्रॉड सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन को टॉलरेट कर सकता है तो वो है यूरीहलाइन. ये समझा? अच्छा, सॉल्ट से मुझे याद आया, अगर हम लोग बहुत ज्यादा सॉल्टी पानी पी रहे हैं, यानी सी वॉटर पी रहे हैं, तो क्या होगा? सादा पानी के बदले अगर तुम बहुत ज्यादा नमक वाला पानी पियोगे तो तुम्हारे बॉडी में सॉल्ट्स का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ते जाएगा. फिर जितना ज्यादा सॉल्ट है, एक्स्ट्रा सॉल्ट है, उसको बॉडी के बाहर फेंकना पड़ेगा और उसको एलिमिनेट करने के लिए, सॉल्ट को डिसॉल्व करने के लिए क्या चाहिए? वाटर. सो उसको एलिमिनेट करने के लिए वी विल नीड लॉट्स ऑफ वाटर. तो सॉल्ट को बाहर फेंकने के चक्कर में उसको घोलने के लिए पानी चाहिए, तो बहुत सारा पानी का लॉस हो जाएगा. इसको हम बोलते हैं डिहाइड्रेशन, और ये डिहाइड्रेशन अगर बना रहा तो इट विल कॉज डेथ. डेथ मतलब सीधा फोटो दीवार पे हार और अगरबत्ती के साथ, राइट? ओके. और इसमें प्यास भी बहुत लगती है, तो प्यास भी लगेगी, डिहाइड्रेशन भी होगा, उसके बाद सीधा फोटो दीवार पे. ओके, राइट? सो ये याद रखने का कि अगर हम लोग बहुत ज्यादा सी वाटर पी रहे हैं तो ये होगा. अच्छा, दूसरी बात ये एक और याद रखो कि कभी नोटिस किया है कि गर्मी में अपने को बहुत कम यूरिन होता है, द यूरिन का क्वांटिटी डिक्रीजेस. अब गर्मी में कैसा होता है ना, आधे से ज्यादा वाटर लॉस हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ स्वेटिंग. स्वेटिंग को हाईफाई बायोलॉजी में बोलते हैं परस्पिरेशन. अब शरीर से जब इतना पानी का लॉस हो रहा है तो शरीर और ज्यादा पानी यूरिन के रास्ते से फेंकेगा नहीं. ये किडनी है ना, किडनी वाटर को बराबर बैलेंस करता है बेटा. किडनी इज लाइक अवर मदर. अगर वॉचमैन ने बोल दिया कि भाई आज नीचे पाइप फूट गया है, थोड़ा पानी वेस्ट हो गया है, आपको कम पानी मिलेगा. अब जैसे पाइप फूट गया है, थोड़ा पानी वेस्ट हो गया, वैसे ही गर्मी में अपने को पसीना आया, थोड़ा पानी उधर ही वेस्ट हो गया. सो बॉडी में पानी कम है, यानी घर में आप पानी का सप्लाई कम आएगा. अब पानी का सप्लाई कम है और तू नल चालू करके ब्रश कर रहा है, ख्यालों में खोया है, देन व्हाट डू यू एक्सपीरियंस? यू एक्सपीरियंस अ फ्लाइंग चप्पल फ्रॉम योर मदर. मम्मी चप्पल मार देती है कि तेरे को बोला ना मैंने पानी थोड़ा हिसाब से यूज कर. वैसा ही किडनी का फंडा.
किडनी बोलता है कि पसीने के माध्यम से गर्मी में हमने इतना पानी तो ऑलरेडी लूज कर दिया है, तो यूरिन में और ज्यादा पानी बहाने की जरूरत नहीं है, इसलिए गर्मियों में हमको कम क्वांटिटी का यूरिन होता है और ठंडी में हमको ज्यादा क्वांटिटी का यूरिन होता है। ये पूरा का पूरा बायो का यूरिन का खेल होता है। आने वाले लेक्चर में हम लोग इसके बारे में और डिटेल में बात करेंगे। जब मैं तुझे ये सिखाऊंगा ना कि यूरिन बनता कैसे, उसका एक बूंद यूरिन की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू, नहीं सॉरी बायो बाबू। आने वाले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि ईश्वर की देन होती है एक ड्रॉप यूरिन, कैसे बनता है, किडनी कैसे बनाता है। अमेजिंग टॉपिक है बच्चों। टिल देन पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। लिया? ओके हाँ, ऑस्मो कंफॉर्मर्स में शायद अगर तुम्हें एमसीक्यू आ जाए ना तो इसमें ना मोस्टली मरीन ऑर्गेनिजम्स आते हैं और ऑस्मो रेगुलेटर्स में मोस्टली फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स आते हैं। ठीक है, सो ये था हमारा आज का लेक्चर जहां हमने एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स के बारे में बात किया और बहुत सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में बात किया। अब आने वाले लेक्चर में हम लोग प्रॉपरली ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम डिस्कस करना शुरू कर देंगे, जहां किडनी का डायग्राम, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का डायग्राम, हाथों की कला और दिमाग की सोच, इसका इस्तेमाल करेंगे। बहुत मजा आने वाला है बेटा, तब तक ले तू इसका नोट्स बना और मन लगा के पढ़ते रहे। मिशन MBBS, रीड बायो, ब्लीड बायो, यो बायो। थैंक यू।